हाय गाइस, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बहुत ही बेसिक पढ़ा था उसको। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल चाय बनाना और कार्स के एग्जांपल से रिलेट किया था, और उससे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है पता चला था। तो आइए थोड़ी डेफिनेशन देख लेते कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम एस्टिमेट्स हाउ मच टाइम द एल्गोरिदम विल यूज फॉर सम इनपुट। The idea is to represent the efficiency as a function whose parameter is the size of the input. By calculating the time complexity, we can find out whether algorithm is fast enough without implementing it. ठीक है, अब देखो time complexity क्या होती है। हम time complexity को denote करते हैं as a function of input. ठीक है, as a function of input की मतलब time complexity, मतलब कि जैसे कि मेरे पास n input है, तो उसके हिसाब जैसे एक input डालेंगे तो time complexity क्या आते जा रहा है, दो input है तो क्या आ रहा है, तीन इनपुट है तो क्या आ रहा है, चार इनपुट है तो क्या आ रहा है, पांच इनपुट है तो क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे करके एन इनपुट है तो हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिनोट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे पास एक एल्गोरिदम ए है। ठीक है, अब मुझे इसकी टाइम, लेट्स से एल्गोरिदम ए वन है, दूसरा है लेट्स से एल्गोरिदम ए टू। ठीक है, हमारे पास ये, तो अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैं आपको सिंपल बेसिक आइडिया बताता हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जांपल ए वन में हमने एक इनपुट डाला, फिर एक साथ दो इनपुट पे रन किया, एक साथ तीन इनपुट पे रन किया, एक साथ चार इनपुट पे रन किया, और अप टू मैंने एज एन इनपुट तक ए वन को रन किया, एक साथ एन इनपुट दिया। वैसे ए टू एल्गोरिथम है, इसने भी सिमिलरली एक पे किया, दो पे इसको रन किया, तीन पेज को रन किया, चार पेज को रन किया, और अप टू एन पेज को रन किया। ठीक है, अप टू एन एलिमेंट्स पे हमने इसको रन किया है। तो अब मुझे इधर को कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे मेरे को किसको कंपेयर करना है, इनपुट्स एन, और एन के साथ टाइम कैसे वेरी हो रहा है, टाइम टी। तो इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, टू डायमेंशनल ग्राफ, क्योंकि दो एंटिटी को कंपेयर करना होता है इसलिए टू डायमेंशन एक्स वाई ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक्स वाई ग्राफ बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में मेरा आएगा, एक्स एक्सिस में मेरा आएगा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, और वाई एक्सिस में आएगा डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो x एक्सिस में मैंने यहाँ पे लिया n नंबर ऑफ इनपुट्स, n नंबर ऑफ इनपुट्स, और टाइम t यहाँ पे लिया। ठीक है, अब जो टाइम है वो मेरा इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, और मेरा जो n है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आएगा कि यहाँ पे n मैंने एज x एक्सिस n को लिया है, और एज y एक्सिस मैंने टाइम को लिया है, क्योंकि n किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन टाइम n पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट एक्सिस और यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सिस, वैसे सिंपल। फॉर एग्जांपल ये मेरा ए वन एल्गोरिथम के लिए मैं बना रहा हूँ इधर, और लेट्स से यहाँ पे मैं ए टू एल्गोरिथम के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, लेट्स से कि मेरा जो ए वन एल्गोरिथम है, ठीक है, लेट्स से मेरा ए वन एल्गोरिथम है, उसमें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू n मैंने इनपुट लिया, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 अप टू मैंने n इनपुट्स लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, ये फॉर एग्जांपल कि मेरा ए वन एल्गोरिथम का जो मेरा इनपुट और टाइम का रिलेशन है फॉर एग्जांपल ऐसे आया, और लेट्स से मेरा जो ए टू का एल्गोरिथम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे आया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको पता चल रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम मुझे चूज करना चाहिए, क्या ए वन फीजेबल है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत, जैसे इनपुट राइज कर रहे बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जबकि ये थोड़ा लीनियंटली ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक कि जब n बहुत ही n इज इक्वल टू n मैक्स होगा, मतलब कि हाईएस्ट लिमिट ऑफ n, तब मेरा ए वन एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, एज कंपेयर टू ए टू बहुत ही कम लेगा, ए वन के कंपेयर में ए टू कम लेगा,
लेकिन ए वन बहुत ही ज्यादा। सो विच एल्गोरिदम विल आई चूज, हम चूज करेंगे ए टू एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज निकाली, चलो यहां पे मैं नोट कर देता हूं, चलो यहां इसको मैं रब कर देता हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, बस यहाँ पे सब्सक्राइब लगाएंगे तो मैं अपने इक्विपमेंट्स को अच्छा कर सकता हूँ, और अगर इक्विपमेंट को अच्छा कर पाऊंगा तो मेरे पास मैं पेन भी ला सकता हूँ जिससे मैं बहुत इजीली इसको कर सकूँ, लेकिन अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है, मैं बहुत ही न्यू क्रिएटर हूँ। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, आपके दोस्तों तक, सबके साथ पहुंचाइए, ताकि हम साथ में कॉन्कर कर सके, साथ में मेरा कंटेंट अच्छा आता रहेगा, बहुत ही अच्छा आता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखी नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चीज देखी कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे यस, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, बट कोई नहीं, चलो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने क्या क्या चीज ली। हमने देखा कि इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज एंड टाइम। ठीक है, इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन, राइट, इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज एंड टाइम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैं कभी किसी का रिलेशन बताता हूँ, हमें कभी भी किसी चीज का रिलेशन अगर निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर रिलेशन मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अगर दो भी कोई भी दो क्वांटिटी का रिलेशन निकालना होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यही तो है चीज, क्या फंक्शन, मैथ्स में फंक्शन और क्या होता है कि एक्स जो है वो वाई के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इसी को तो फंक्शन कहते हैं, कि हाउ द वाई इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन एक्स, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कि वाई जो है वो एक्स की वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसे तो फंक्शन कहते हैं। और क्या होता है फंक्शन, तो वैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि टाइम इज फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है, यही चीज आएगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइम है उसका फंक्शन एन है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ कि यहाँ पे मेरी पास बहुत सारी चीज हो सकती है, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, अब मैं इसको डिनोट कैसे कर सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं बहुत तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, और इसको डिनोट करने के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। अलग अलग सिंबल क्या होते हैं, कि हमें अलग अलग बाउंड्स देते हैं, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं अगर को दो एल्गोरिदम को कंपेयर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत चीज हो सकती है, कंपेरिजन हमेशा दो दो एल्गोरिदम का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक एल्गोरिदम है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक एल्गोरिदम है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अब मुझे इसका अपर बाउंड निकाल सकता हूँ और इसका मैं लोअर बाउंड निकाल सकता हूँ, ठीक है। अपर बाउंड मतलब कि ये इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम है इसके, इसके मैं दो चीज फाइंड कर सकता हूँ, एक तो इसका अपर बाउंड जो कहेगा मुझे कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और दूसरा होगा इसका लोअर बाउंड जो मुझे कहेगा कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सॉरी क्या है, ठीक। अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि मैं जनरली इंटरेस्टेड हूं कि इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तभी होगी जब बेस्ट केस वाली चीजें मिलेगी, लेकिन मुझे जानना है कि भाई ये बिगड़ेल से बिगड़ेल कितना टाइम लेगा, मैं हमेशा वर्स्ट केस लेके चुनूंगा कि भाई एल्गोरिदम मेरे पास है
तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई इसकी वर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि हमेशा ऑड्स अपने फेवर में नहीं होंगे, हमें वर्स्ट केस लेके चलना पड़ेगा हमेशा। बेस्ट केस हो जाए तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट केस हमारे लिए फायदेमंद ही है, लेकिन हम हमेशा एल्गोरिथम को जज करेंगे उसके वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये है और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये है, ठीक है, तो मैं इसको चूज करूंगा। मैं इनको बेस्ट केस देखूंगा ही नहीं, क्योंकि बेस्ट केस में तो सब अच्छा अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, वर्स्ट केस में कौन सा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करेगा वो मेरे लिए मैटर करेगा। इसलिए मुझे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी है तो मैं उसे बिग ओ नोटेशन से दिखाता हूँ, और मुझे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी है तो मैं उसे ओमेगा के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे कोई पूछेगा, तो अगर कोई अभी एल्गोरिथम आप लिखोगे या फिर कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे, तो आपका कोड है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ओमेगा से नहीं दोगे, ओमेगा से नहीं दोगे आप उसको बिग ओ से दोगे। तो जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम बनाए या फिर कोई भी इंटरव्यू में जाए, तो अगर आपसे पूछेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही आप बताओगे कि बिग ओ में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो ये था आज के लिए, फिर आगे हम और पढ़ेंगे कि बिग, अब हम देखेंगे तो इनको जनरली कहते हैं हम लोग असिम्प्टोटिक नोटेशन। आगे आएगा, बहुत ही आएगा, आप लोग सोचेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, बेसिक पढ़ा रहा है, लेकिन बेसिक समझ चालू करके मैं सबको एक साथ लेके चलना है, जिनको नहीं आता जिनको आता है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे चार टाइप के होते हैं, एक तो होता है लूजली बाउंड, तो ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड समझाऊंगा, फिर आप और आगे आएंगे तो आएंगे टाइट बाउंड। टाइट बाउंड जैसे कि स्मॉल ओ आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, टाइट बाउंड। तो सब कुछ आगे धीरे 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 आराम से भाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझो। आपको मैं आराम आराम से सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा, आप पेशेंस रखो, पेशेंस प्लीज, पेशेंस रखो, आपको पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, एक भी चीज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझ पे भरोसा कीजिए। तो ये यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ लेक्चर नंबर 2। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि एल्गोरिथम को पता चले, व्यूज दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसा कंटेंट आता रहेगा। वेट करिए अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में हम असिम्प्टोटिक नोटेशन, ये जो बेटा हमने किया ना, ये बिगो ओमेगा स्मॉल ओ ओमेगा स्मॉल ओमेगा, तो ये क्या होते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं, इनको असिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं, या फिर एक टाइम पे फंक्शन ही होते हैं कि फंक्शन मैथ्स में एफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे चार टाइप के एफ होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं चार टाइप के एफ, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा। अगर एफ से पता करता ना तो मेरे को पता नहीं चलता वर्स्ट केस है कि बेस्ट केस है, मुझे यहाँ पे एफ से ही पता लग जाए कि ये कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है। इसलिए मैंने यहाँ पे चार तरह के नोटेशंस बनाए, बेसिकली यही है। तो आगे हम नोटेशंस पढ़ेंगे और बिगिनिंग करेंगे नोटेशन का, तब तक के लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कीजिए सिंपल सीएसई को, क्योंकि इसका मोटिव यही है कि मैं सीएसई को बहुत ही सिंपल कर सकूं। आगे शॉर्ट्स भी आएंगे जो आपको टेक रिलेटेड न्यूज देंगे। थैंक यू वेरी मच।